हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, दसवा का मार्कशीट, बारहवा का मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कोई भी काम कराते थे तो उसे आपको ले जाना पड़ता था। कभी कभी आपके साथ होता यूँ था कि आप किसी डॉक्यूमेंट को घर पर ही छोड़ आते थे या फिर लाना ही भूल जाते थे, तो उस कंडीशन में आपका काम नहीं होता था। लेकिन अब ये सभी प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए ही सरकार ने अपना एक लॉकर जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अपना एक लॉकर बनाया है जिसपे आपके सारे डॉक्यूमेंट उस पर अवेलेबल रहेंगे। और आप जो हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं भी रहता है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वे कौन सा लॉकर है जिसपे आपके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। जो भी डॉक्यूमेंट में आपके आधार नंबर लिंक होगा, वह डॉक्यूमेंट सरकार के लॉकर में ऑटोमेटिक ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे आना है और वहाँ पर आपको सिंपल ही प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिजी लॉकर एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिजी लॉकर एप्लीकेशन का लोगो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है कि यह, तो सिंपल ही आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे में इंस्टॉल बटन होगा, सिंपल ही आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। इस एप्लीकेशन का कुछ रिव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका रिव्यू देखने के लिए मिल जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको इसमें अपना मिल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, सिंपल नहीं, अब आपको इसको ओपन करना है। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको सिंपल ही यहाँ पे सबसे ऊपर में ही गेट स्टार्ट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे साइन इन का बटन मिलेगा और नीचे में आपको क्रिएट अकाउंट का भी बटन मिलेगा। यदि आपने यह एप्लीकेशन को पहले इस्तेमाल नहीं किए हैं और आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहां से नीचे में क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको ऊपर थोड़ा सा यहां पे बता दूं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप विंडो में लिखा हुआ है CBSE 2021 क्लास 10th और 12th का अब जो मार्कशीट आएगा, डिजिटल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अवेलेबल नाउ। यानी कि इस पर जो है क्लास, जो भी CBSE स्टूडेंट हैं क्लास 10th के और 12th का, उनका ओरिजिनल जो मार्कशीट है वह यहाँ पे डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे आ चुका है, वह यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपल ही आपको नीचे में आना है और आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको क्या क्या भरना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको अपना पूरा नाम देना है, जैसा कि आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थडे है, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं तो मेल, फीमेल फीमेल, अदर हैं तो अदर। इसके बाद से नीचे में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, वह मोबाइल नंबर भरे जो आपके आधार कार्ड से इसमें लिंक है। उसके बाद से आपको 6 डिजिट का आपको एक सिक्योरिटी पिन बनाना है। और इसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बगल में आई का भी साइन है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद से आपको नीचे में अपना ईमेल आईडी भरना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है और नीचे में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल अकाउंट बन जाएगा।
तो मैंने पहले ही अपना अकाउंट बना लिया है, तो इसलिए यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो साइन इन का बटन है। मैं सिंपल ही साइन इन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे पहले सबमिट करके, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भरना है और 6 डिजिट का आपने जो सिक्योरिटी पिन बनाया है आपको वह भरना है। यदि आप उसे भूल जाते हैं तो नीचे में आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का एक ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा पिन बना सकते हैं और सिंपल ही आपको यहाँ पे साइन इन करना है। और जैसे ही आप ये सभी ओके करेंगे, इसमें लॉगिन होंगे, तो आपके सामने इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ऊपर से 3 लाइन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, आपको सबसे ऊपर में होम का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद से आपको इश्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल ही आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सरकार के लॉकर में, यानी कि आपके बन चुके होंगे, वे सभी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड यहाँ पे आ चुका है, 10वां का मार्कशीट आ चुका है, 10th क्लास का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वह भी आ चुका है, मेरा पैन कार्ड बन चुका है वह भी आ चुका है, राशन कार्ड भी बन चुका है यह भी आ चुका है। यदि आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करता है तो आपको करना क्या है, ऊपर में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रिफ्रेश का बटन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक रिफ्रेश का बटन होगा, सिंपली आपको इस रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। आप चाहते हैं यदि आपके इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो आप अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से आपको अपना एक ड्राइव का बटन दिखेगा। जी हां दोस्तों, आपको ड्राइव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप जो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिंपली आपको अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी इसमें जो है पहले से अपलोड है। आपको नया अपलोड करने के लिए नीचे में आएंगे तो आपका एक प्लस का साइन दिखेगा, सिंपल ही आपको इस सेलेक्ट करना है और इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोड हो चुका है, मैंने जो अपलोड किया है यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना चाहें इसमें डॉक्यूमेंट भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और अपना नीचे में प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और लॉग आउट करना चाहते हैं तो नीचे में आकर इस पर आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये इसका होम स्क्रीन है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।